हु इज़ एक्चुअली वेरी वेरी प्राउड क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अब मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ तो हम लोग हमेशा एक चेक रखते हैं कि यू नो हमें कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कौन से डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनने हैं एंड हमेशा बिकी चंद का नाम बहुत हाई था तो जब इन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं इनके शो के लिए चलूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ऑनेस्टली एंड फिर हमने बात की कि हम लोग क्या पहनेंगे क्या लगेंगे तो मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी लुक को लेके भी एंड आई थिंक शो अच्छा हुआ है आप इनसे पूछिए इनको ठीक लगा कि नहीं आई एम एक्चुअली वेयरिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड आई स्वेयर आई एम नॉट सीइंग इट दिस ये जितना सुंदर लग रहा है ये उतना ही भारी है और ये इनकी गलती है क्योंकि इन्होंने बनाया ये कुछ 2.5 किलो का है शायद 3 किलो का इट्स रियली हैवी मैं इनसे 2.5 किलो का मेरा भी हाथ हो गया एंड दिस पीकॉक थिंग इज वेरी प्रिटी सो आई एम रियली लविंग ऑल द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग ब्राइडल वेयर नहीं है सिर्फ ज्वेलरी को शो ऑफ करना है तो ज्वेलरी के साथ ब्लैक अच्छा लग रहा था हमने ब्लैक पहन लिया इतना मत सोचो ये भगवान मैं गिर ना जाऊँ वो आई थिंक सबसे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि हम लोग हील्स में चल रहे हैं एंड रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला था तो मुझे पता नहीं था कि कितना स्लिपरी होने वाला है नहीं होने वाला लेकिन मैं नहीं गिरी मैं बच गई ऐसा क्यों ये पूछ रहे हैं कि मुझे बबली वर्ड से प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि आई थिंक बबली बहुत लिमिटेड वर्ड है मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी का एक ही पहलू दिखाता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे अपने सारे पहलू दिखाने चाहिए जी मैं बहुत खुश रहती हूँ और मैं बहुत हंसती हूँ और मैं ज़ोर ज़ोर से बात करती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बबली हूँ तो आई मीन वो मेरे हाथ में है कि एक दिन जब मैं अलग अलग काम करके दिखाऊँगी तो आप लोग अपना ओपिनियन बदल लेंगे पहले मुझे लड़का ढूंढना पड़ेगा उससे शादी करनी पड़ेगी मुझे लड़का ही नहीं मिला है अभी तक जिस दिन मिलेगा उस दिन कर लूँगी एक्चुअली मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं पहनती क्योंकि हमें शूट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है और इवेंट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है तो इनफैक्ट मैं बहुत कैजुअली ड्रेस करती हूँ तो अगर मुझे इम्प्रेस करना है तो आई थिंक ज्वेलरी मत ही देना मुझे डिनर के लिए या पिक्चर के लिए ले जाना मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी आई एम ओनली हियर फॉर द ज्वेलरी वीक नथिंग एल्स मैं सिर्फ अप्स को और यहाँ की ज्वेलरी वीक को प्रमोट करने आई हूँ और कुछ नहीं करने आई हूँ ये सिर्फ कोइंसिडेंस है In fact, both of us are very excited. We've been messaging each other saying Chopra weekend again. Last time भी बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम लोग एक साथ ही सब promotions कर रहे थे and हमारी families सब एक साथ ही दोनों पिक्चरें देखी थी और इस बार भी यही होने वाला है आप लोग भी प्लीज़ दोनों फिल्म देख कर आना For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.